नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ जो निकल रही है भारतीय रेलवे से। तो रेलवे में 10वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप 10वीं पास हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का आवेदन शुल्क भी नहीं लिया जाए। तो यदि आप रोजाना सरकारी नौकरी की वीडियो अपने मोबाइल या लैपटॉप पीसी में पाना चाहते हो तो इस प्रकार का आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, नीचे सब्सक्राइब करना और जो साइड में एक बार बेल आइकन दिखाई दे उसे एक बार दबाना। ये सब कुछ फ्री में है तथा साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ सबसे पहले हम दिखा देते हैं रिक्तियों की संख्या है। आप यहाँ देख सकते हैं 954 पदों पे भर्ती निकली हुई है। कितने पे? 954 पे। यहाँ अलग अलग मंडल में वैकेंसी निकली हुई है। लखनऊ में 230 है, वाराणसी में 724 वैकेंसी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो टोटल 954 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया निकली हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें जो आवेदन शुल्क रखा गया है 0 रुपए। 5 नंबर का कॉलम है आवेदन शुल्क का, 6 नंबर का है शैक्षणिक योग्यता का। न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? 10वीं पास। ठीक है, 10वीं पास यदि है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओनली क्या होना है आपको? 10वीं पास। इसी के साथ हम बात करते हैं इसमें वेतन। वेतन आपको इसमें 25,000 रुपये वेतन मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो इसमें वेतन आपको 25,000 रुपये ऐसा वेतन मिल रहा है। 1,800 रुपये ग्रेड पे मिलेगा इसमें आपको। 1,800 रुपये ग्रेड पे के आधार पे ये CPC पे आपको रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाएगा। अभी बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बट वो होना चाहिए भारतीय सेना का भूतपूर्व जो सैनिक है वो होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो भूतपूर्व सैनिक। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है? भूतपूर्व सैनिक, सॉरी हम यहाँ दिखा देते हैं। तो रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। तो यहाँ देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिकों की संविदा के आधार पर गेटमैन के पदों पर भर्ती। तो ये जो रिक्रूटमेंट है संविदा पर रखा जाएगा आपको, और इसमें जो वैकेंसी निकल रही है वो निकल रही है गेटमैन की। और भूतपूर्व सैनिक होते हैं आप सर्विसमैन, आप यदि हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना इस जो कैंडिडेट्स हैं अन्य कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं इसमें और किस प्रकार ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या आपकी एज वगैरह हो जाएगी। तो हम सीधा आपको एज दिखा देते हैं। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं आपकी एज 65 से एक अधिक ना होनी चाहिए, आपकी एज 65 से अधिक ना हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको किसी प्रकार के एग्जाम नहीं देने पड़ेगी, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर और आप सेलेक्ट हो। इसमें जो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो दिखा देते हैं। तो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है मित्रों, आप यहाँ देख सकते हो इसमें आवेदन की अंतिम तिथि, सॉरी हम दिखाते हैं एक सेकंड आपको आवेदन की अंतिम तिथि। तो अंतिम तिथि देख सकते हो, अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि है 5/8/2018 से ये स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट है 20 अगस्त और 30 अगस्त तक। ये अलग अलग मंडल की अलग अलग, इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पेज पे जानकारी मिल जाएगी कि किस जो मंडल है उसकी कितनी लास्ट डेट है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो इसमें देख सकते हो लोकेशन, जॉब की लोकेशन आपकी रहेगी लखनऊ और वाराणसी। लखनऊ और वाराणसी को जो गेट पॉइंट है उस पर आपको इसमें जॉब मिल जाएगी। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ यदि आपको कुछ जानकारी वगैरह लेनी है तो इसमें मेल आईडी भी वगैरह दिखाई है और नंबर वगैरह भी दिखाए हैं, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हो। यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल के संदीप ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन दिखाते हैं उस बेल आइकन को दबाइए, ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।